हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। वाटरमेलन तो हम सभी खाते हैं। जनरली वाटरमेलन खाने का जो हम तरीका अपनाते हैं उसमें हम लोग जो वाटरमेलन का ऊपर का रेड पोर्शन है उसको तो खा लेते हैं, बट जो नीचे का छिलका है उसको हम लोग फेंक देते हैं। बट क्या आपको पता है कि जो वाटरमेलन का छिलका होता है उसमें भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी एंड सी। इतने सारे विटामिन्स के बाद भी हम लोग उसको फेंक देते हैं, तो क्यों ना हम उसको यूज़ करें। तो अब उसको यूज़ कैसे करें, तो उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिशेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाटरमेलन के जो छिलके होते हैं उसकी हम लोग सब्जी बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, इवन उसका हम लोग अचार, कैंडीज़ ये सब बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग वाटरमेलन के जो छिलके होते हैं उसका हलवा किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो वाटरमेलन का रेड पोर्शन है उसको अलग कर देते हैं ताकि हमें छिलके मिल जाए। रेड पोर्शन तो हम लोग इजली खा लेंगे, तो जो छिलके बचेंगे उसका हम लोग इसमें वीडियो हलवा बनाएंगे। अब वाटरमेलन के छिलके तो अलग हो गए हैं, अब इसमें भी दो पोर्शन होते हैं। एक तो अंदर का लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन होता है, ऊपर का एक डार्क ग्रीन कलर का। तो जो डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो हमको उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छे पीलर की हेल्प से हम लोग उस पोर्शन को हटा देते हैं ताकि हम लोग उसका कोई भी डिशेस में उसको हम लोग यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से जो ग्रीन पोर्शन है उसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है उसको हटाने में। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग उसको हटा देते हैं। तो ये देखिए, ये एक का निकल गया। इसी तरीके से जो बाकी है उसको भी अब हम लोग निकाल लेते हैं। वैसे तो जब भी हम लोग हलवा बनाते हैं तो अगर हम लोग उस चीज़ को ग्रेट करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि वाटरमेलन का ऊपर का पोर्शन तो थोड़ा सा हार्ड होगा, मगर जैसे जैसे आप उसको अंदर आते जाएंगे पोर्शन सॉफ्ट होता जाएगा, तो उसको ग्रेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको काट रहे हैं। काटने के बाद हम लोग इसको मिक्सी में पीस लेंगे ताकि हम लोग इसका ईजली हलवा बना सकें। तो चलिए इसको अब हम लोग मिक्सी में डाल के हम लोग इसको पीस लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, इसलिए इसमें पानी डालने की हमको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पीस चुका, अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में हम लोग डालेंगे घी, और घी जब मेल्ट हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे सूजी। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सूजी लिया है, और उसी के साथ मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन। तो इन दोनों को हमको भूनना है। यहाँ पे हम लोग सूजी या बेसन का हलवा नहीं बना रहे हैं कि हम लोग उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लें। यहाँ पे हम लोग तरबूज के छिलके का हलवा बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पे सूजी और बेसन लिया है। तो सूजी डालने का इसमें सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हलवा है वो हमारा एक पेस्ट के फॉर्म में है, तो सूजी उसको एक दरदरा सा टेक्स्चर देगा, और जो हलवा है क्योंकि वाटरमेलन के छिलके में बहुत ज़्यादा पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हलवा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। और बेसन यहाँ पे हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। तो बिल्कुल धीमी आंच में हमको इसको भूनना है तब तक कि जब तक इसका कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाए। तो देखिए कलर ब्राउन हो गया है, अच्छे से भून चुका है। तब जो वाटरमेलन हम लोग ने पीस के रखा हुआ है उसको अब हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये हमने डाल दिया है। अब इसको हम लोग बीच बीच में चलाते हुए इसका हम लोग जब तक पानी पूरा सूख ना जाए तब तक हम लोग इसको पकाएंगे। तो देखिए थोड़ी देर में ही जो सूजी है वो उसने वाटरमेलन का पानी एब्जॉर्ब कर लिया, और हलवा है वो हमारा अब गाढ़ा दिखने लगा। तो अब यहाँ पे हम लोग उसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 कप वाटरमेलन का छिलका जो पेस्ट बनाया था 2 कप हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको डाल के और इसमें हम लोग इसके साथ में डालेंगे 1 कप दूध। दूध डालने से जो ये हलवा है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब दूध पकेगा हलवे के साथ में तो ये आपको थोड़ा सा मावे का टेस्ट देगा। तो इसलिए हम लोग दूध डाल के
अब इसको भी हम लोग पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक ये पूरा दूध हमारा सूख ना जाए और हलवा हमारा अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाए। चलिए इसको हम लोग गाढ़ा करते हैं। थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो गया है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका कलर और टेक्सचर सब चेंज हो गया है। अब हम लोग इसमें थोड़ा फ्लेवरिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पे एक और चीज़ हमको करनी है, वो है इसकी भुनाई। तो हम लोग गैस की फ्लेम को हाई करके यहाँ पे थोड़ी 2 से 3 मिनट इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जब 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे काजू का इस्तेमाल किया, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद का डाल सकते हैं। बस इसको भी डाल के इसमें हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखा आपने कि हम लोग ने वाटरमेलन के छिलके का एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिश बना के तैयार कर ली है। तो इस डिश को आप लोग अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, डेफिनेटली ये आपको और बाकी हलवे से बहुत ही अच्छी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो इसमें न्यूट्रिशंस है जो हम लोग फेंक देते हैं वो भी हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए भाई वाटरमेलन के छिलके का हलवा तो बनता है और हलवा तो सबको पसंद भी होता है, इसलिए इस हलवे को आप लोग अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा। डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और इस हलवे को टेस्ट करने के बाद आप जो वाटरमेलन के छिलके को हम लोग फेंक देते हैं उसको अब हम लोग कभी नहीं फेंक पाएंगे। तो इस हलवे को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ आप लोग के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।